इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मस्ट नोट डाउन द डेट ताकि एब्सेंटीज बच्चों को पता लग जाए कि उनका क्या मिस हुआ है। मस्ट नोट डाउन हु इज टीच। कई बार बच्चों को टीचर का नाम नहीं पता होता, बेटे ये गड़बड़ है, मैं अच्छा नहीं समझता। मैं कई बार स्कूल्स के अंदर जाता हूँ तो बच्चे आपस में बात करते हैं, वो फिजिक्स मैम आ गए, वो मैथ मैम आ गए, वो बायो सर आ गए। ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है? कम से कम आप उनसे पढ़ते हो तो आपको उनका नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। सो बेटे अब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं। द टीचर इज फर्स्ट टेलिंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी हैव ए सिप ऑफ वाटर। बेटे मेरे को सबसे पहले ये बताओ, क्या ये वही क्लास है जिसमें ये बच्चे बैठे हैं, हरमनजोत, गगनजोत, जसप्रीत? इज इट द सेम क्लास? पूजा, सिमरन, ये आपकी क्लास के बच्चों के नाम है क्या? माही, बोलो बेटे। सुनो अच्छा फिर ये होएंगे फिर आपके बच्चों के नाम, निखिल, गुरलीन? नहीं, ये लिस्ट चेंज हो गया शायद, ये दूसरे स्कूल का, ये आ गया बेटे। हाँ ये है, दिलशा, परमिंदर, वंशिका, ये आपके बच्चे हैं? यस यस। तो मैं थोड़ा थोड़ा इंटरएक्टिव रहूंगा, आपका नाम लेके कुछ कुछ पूछूंगा भी, तो आपने बेटे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और मेरा प्रॉमिस है जो बच्चा ये असाइनमेंट अच्छे से करेगा उसका पेपर बढ़िया होगा, आई प्रॉमिस इट। क्योंकि मैंने बड़े सावधानी से कम क्वेश्चन करते हुए ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आपके। सो प्लीज बी अटेंटिव। जो बच्चा पूरे साल में भी लापरवाह रहा है उसको भी सर की सजेशन है कि प्लीज ये वाली असाइनमेंट ध्यान से कर लेना आज, ओके? शाबाश। हमें उसने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं, तीन रजिस्टर्स हैं और उन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में लगा रखा है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ऐसे सीरीज में लगा रखा है। फिर वो कहता है कि इनको पैरलर में भी लगाया है सेकंड सर्किट में, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। अब वो बोलता है कि जो भी यहां पर रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन ए एंड बी, और जो भी यहां पर रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन एक्स एंड वाई, दोनों रेजिस्टेंस की रेशो रेशो आर ए बी अपॉन आर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 आएगी या लेस देन 1 आएगी या इक्वल टू 1 आएगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, ऐसे उसने हमसे पूछा। कोई बच्चा बता पाएगा कैसे करेंगे इसको? शाबाश। इज देर एनी स्टूडेंट हु कैन हेल्प द टीचर कि सर ये ऐसे हो सकता है? माइक पे आओ और बोलने की कोशिश करो, एनी स्टूडेंट, ओपन क्वेश्चन। So in series, we will sum all the resistances together. बेटे टुगेदर तो उसमें भी है पैरेलल में। So we will take the reciprocals and take LCM. जब रेसिप्रोकल लेंगे पैरेलल में तो आंसर क्या आएगा? रेसिप्रोकल लेने के बाद रेसिप्रोकल ले लिया तीनों का, फिर क्या करना है उसके बाद? बैठो बैठो और अच्छे से जवाब देना चाहिए। फिर भी आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। ध्यान, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट। सुनो बेटे ध्यान से सुनो, एक बात याद रखना, अगर सेम रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हो और सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हो, ध्यान से सुनना, तो ये रेशो हमेशा और हमेशा कौन सी वाली? सीरीज ऊपर हो और पैरेलल नीचे हो, तो ये वाली रेशो हमेशा और हमेशा लेस देन 1 नहीं आएगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, ऑलवेज।
ये वाला आएगा। अब हम देखते हैं, ये तो वैसे ही याद कर लो, शर्त ये है कि वही तीन रजिस्टर यहां लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड फार्मूला आता है डायरेक्ट एडिशन ऑफ द रजिस्टर्स, तीन हो तीन से ज्यादा हो तो 2 + 3 + 4 9 ओम। लेकिन ये जो बच्चा पैरेलल वाला बोल रहा था, बच्चा कह रहा था सर पैरेलल के अंदर तीनों के रेसिप्रोकल करो, उसको ये भी बोलना चाहिए था एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल गिब्स। गिब्स में भी बच्चा गलती करता है, डॉट गिव आर एक्स वाई, इनका रेसिप्रोकल हमें आर एक्स वाई नहीं देता, गलत, इट गिव्स द रेसिप्रोकल ऑफ आर एक्स वाई, रेसिप्रोकल मिलेगा। दैट मीन्स इफ इट इज 1/2, 1/3, 1/4, आई थिंक एलसीएम कम्स आउट टू बी 12, 6 + 4 + 3 दैट कम्स आउट टू बी 13/12, और देयर फोर आर एक्स वाई रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा 12/13। ये देखो 1 से छोटा हो गया ये तो, और वो तो 1 से बहुत बड़ा है, तो 1 से लार्जर चीज को 1 से स्मॉलर चीज से डिवाइड करेंगे तो याद रखना आर सीरीज बटे आर पैरेलल ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इफ सेम रेजिस्टर्स आर यूज्ड। नोट कर लो, नोट कर लो, कोई चीज नहीं पता, नहीं वो सारा नहीं नोट करना, जो आपको ऑलरेडी नहीं पता था वो नोट करना। मेरे हिसाब से ये लिखो, आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल ऑलवेज ग्रेटर देन 1 इफ सेम सेट ऑफ रेजिस्टर्स आर यूज्ड, सेम सेट्स ऑफ रेजिस्टर्स आर यूज्ड इन बोथ सर्किट्स, इन बोथ सर्किट्स, पैरेलल सर्किट भी और सीरीज सर्किट। ये बॉक्स आपको जरूर लिखना चाहिए बेटे। जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो अपना राइट हैंड जोर से खड़ा करेंगे और बोलेंगे यस सर, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, यस सर। राइट हैंड आया ही नहीं। जिसको नहीं समझ आया उसका लेफ्ट हैंड आना चाहिए। वंस अगेन, हैव यू अंडरस्टूड, सर। गुड जॉब, गुड जॉब बेटे। ये जानते हो इसके दो दो कारण है, मैं ऐसे क्यों करवाता हूँ बच्चे से, ऐसे इसलिए करवाता हूँ कि अगर बच्चा हल्का फुल्का लेजी हो तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाए और बच्चा चुस्त हो जाए, मेरा बच्चा प्यारा, क्योंकि अभी उसको समझ नहीं है। 10th की परसेंटेज से सब्जेक्ट मिलेंगे +1 में, और सब्जेक्ट के हिसाब से कैरियर बनेगा। टीचर बहुत लंबा सोचता है बेटे, सो यू हैव टू बी एनर्जेटिक। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में टू रजिस्टर्स हैविंग 4 and 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरलर देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बेटे ये तुमने करना है, खुद से करो ये क्वेश्चन। 4 and 6 आर कनेक्टेड इन पैरलर, बता सकते हो कितना रेजिस्टेंस होएगा बिटवीन पी एंड क्यू? व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू? प्लीज सॉल्व इट, आपने खुद से बताना है। 2.4 ओम। 2.4 ओम बच्चे बोल रहे हैं। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, टू पॉइंट फोर ओम। देखो बेटे एक इसके मैं दो मेथड बताता हूं आपको। पहला मेथड तो यही है कि जो आपने रेसिप्रोकल करके सीखा था, 1/r1 + 1/r2, तो आप इसको सॉल्व सुल करोगे तो बाद में रेसिप्रोकल करोगे तो आर पी क्यू आएगा 2.4 ओम। लेकिन एक बात याद रखनी है, योर अटेंशन, अगर सिर्फ टू रजिस्टर्स हो, टू ओनली टू, टू से ज्यादा नहीं होने चाहिए पैरलर में लगे हुए, टू रजिस्टर्स हो और पैरलर में हो, टू से कम ना हो ज्यादा ना हो, तब आपने इसका आंसर निकालना है ऐसे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टर्स। प्रोडक्ट कितना है? 6 और 4 मल्टीप्लाइड 24, इनका टोटल कितना है? 6 और 4 10, तो आंसर आया 2.4।
ये तब लगता है प्रोडक्ट अपॉन सम अगर दो रजिस्टर हों, दो से ज्यादा हों तो ये गलत हो जाएगा, ओनली फॉर टू। ओके, और एक बात, अब मेरे को पास, और एक बात याद रखना, और भी पेपर में आपको बैठे बैठे पता लग जाएगा आपका आंसर सही है कि नहीं। ध्यान से सुनना, जो आपका आंसर आता है ना पैरेलल में, जो आपका आंसर आता है पैरेलल में, जितने भी रजिस्टर पैरेलल में लगे हों, 2 3 4 5 जितने भी लगे होंगे, उनमें से जो सबसे कम वैल्यू का रजिस्टर होएगा उससे भी कम आएगा आपका आंसर। आंसर विल बी लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये आपके लिए चेक पॉइंट है। पेपर में सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 1.6, आपने सारे रजिस्टर चेक करे के सारे 1.6 से ज्यादा हैं, इसका मतलब यू शुड बी एंश्योर्ड कि मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, तो ये लिख लो, लर्निंग पॉइंट लिख लो बेटे, इन पैरेलल, शाबाश, मैं लिखा रहा हूं, इन पैरेलल नेटवर्किंग ऑफ रजिस्टर्स, इन पैरेलल नेटवर्किंग ऑफ रजिस्टर्स क्या लिखेंगे बेटे, आर पैरेलल विल बी लेस देन लीस्ट वैल्यूड रजिस्टर, लीस्ट वैल्यूड रजिस्टर इन दी पैरेलल नेटवर्क गिवन, इन दी पैरेलल नेटवर्क गिवन, पैरेलल नेटवर्क गिवन में जो सबसे कम वैल्यू का रजिस्टर होएगा उससे भी कम होएगा। जैसे इन दोनों में सबसे कम कौन सा है, 4 ओम, तो आपका आंसर 4 ओम से भी कम आएगा, 2.4 इज इवन लेस देन 4। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। बेटे मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम और फाइव फाइव ओम, मैं इनको कैसे कनेक्ट करूं कि मेरा रजिस्टर 1 ओम से कम आना चाहिए, बताओ। इन पैरेलल पैरलर में लगा दूं, यस पक्का है पैरलर में लगाने से 1 ओम से कम आएगा, पक्का है क्या? यस नो नो नो, पक्का नहीं है बेटे। अगर मैंने ये बोला था कि इन तीनों की वैल्यू से कम आएगा रजिस्टर, अगर मैं यहां पर लिख दूं 1.7 ओम, तो वो भी तो इन तीनों वैल्यू से कम ही है। आप पक्का नहीं कह सकते पैरेलल में 1 ओम से रेजिस्टेंस कम आएगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा वो 2 से कम जरूर आएगा, 2 से कम आएगा। अच्छा, ये नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 होएगा, ये गलत आपने आंसर दे दिया, तो आपको पेपर में करके देखना पड़ेगा। वैसे आपका आंसर सही है, अगर आप इन तीनों को पैरेलल में लगाते हो तो आपका आंसर कैसे निकलेगा, जैसे आप इसका एलसीएम ले लो 30, चलो तो 15 प्लस 10 प्लस 6, तो ये कितना बन गया बच्चे, ये कितना बन गया, ये बन गया, ये तो 31 बन गया। देखो ये तो ज्यादा आ गया, बल्कि ये ज्यादा आ गया, गड़बड़ होगी, ये 1 से ग्रेट, नहीं, कम ही है, सॉरी कहा है, रेसिप्रोकल भी तो लेना है, 30/31 विच इज लेस देन 1, ठीक हो गया, ठीक है, रेसिप्रोकल भी लेना है, राइट। तो लेकिन आपको पेपर में करके देखना है, ये हर नेटवर्क में, अगर पैरेलल में हमेशा लेस देन 1 आता तो यहां भी लेस देन 1 आना चाहिए था, फिर तो प्रिकॉशन लिख लो, ये लिख लो प्रिकॉशन बेटे, इन पैरेलल नेटवर्क रेजिस्टेंस इज नॉट नेसेसरीली लेस देन 1, लिख लो, इन पैरेलल नेटवर्क फाइनल रेजिस्टेंस इज नॉट नेसेसरीली लेस देन 1 ओम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बेटे, एक चीज मैं और बतानी है, कुछ बच्चे मेरे ऐसे होते हैं, योर अटेंशन, कुछ बच्चे मेरे ऐसे होते हैं जिनको ना एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आती है, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखो कैसे, बिना एलसीएम निकाले, ध्यान से देखो, तो आप ऐसे लिखोगे 1/R पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो वो देखो जिनका एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है वो, तो आप क्या करोगे, इन तीनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यहां पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो बस, फिर क्या करोगे, R1 कितना है आपका, 2 ओम,
तो टू को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाइकेशन यहां लिख दो, प्लस आर टू कितना है 3 ओम, तो 3 को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाइकेशन यहां लिख दो, प्लस R3 कितना है 5 ओम, 5 को छोड़कर बाकी दोनों की मल्टीप्लाइकेशन यहां लिख दो, यहां लिख दो बेटे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप 15 प्लस 10 प्लस 6 और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 30, सो इट बिकम 31/30, देखो वही आ गया, समझ आया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाए। जिन बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम आती है वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और टाइम भी कम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मैं एक नेटवर्क बना रहा हूं, आपने उसके अंदर मेरे को करंट की वैल्यू बतानी होगी, करंट की वैल्यू, ओके, करंट की वैल्यू। इस क्वेश्चन में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आपने खुद ही सॉल्व करना है। शाबाश, ड्रा द फिगर, 2 ओम, 2 ओम, अनदर 2 ओम, और यहां से करंट निकाला पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। बैटरी कितनी दे रखी है 10 वोल्ट, और रास्ते में क्या लगा हुआ है एमोमीटर, और आपसे क्या पूछा हुआ है रीडिंग ऑफ एमोमीटर, रीडिंग ऑफ एमोमीटर कितनी आएगी। शाबाश, सॉल्व योरसेल्फ। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बेटे मेरे को यस और नो में जवाब दे दो, आर यू ऑल ट्राइंग? हाँ करो करो, शाबाश। मैं इतने नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूं, शाबाश बेटे, कितना आंसर आया सब, तुम लोगों ने तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। रूट रूट 6। 6 कोई आंसर नहीं होता, आप उसको सॉल्व करो, ये क्या बात हुई। टू अब पॉइंट जीरो फोर 2.04 कह रहा है एक बच्चा, और कोई बच्चा 2.04, एक ही आंसर आया मेरे को। अगर एक क्लास में ऑन एन एवरेज में अगर 30 बच्चे लगा लूं तो 90 स्टूडेंट्स में से एक आंसर, गड़बड़ हो रही है, एग्जाम पहुंच गए हैं, डेट शीट रिलीज हो चुकी है। बेटे एक ही आंसर, सुनो फिर, सुनो शाबाश, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, एमोमीटर जो वर्ड है ना एमोमीटर, ध्यान से सुनो, एमोमीटर ये इंग्लिश के दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया, एम्पियर प्लस मीटर, मीटर मैंने मयरिंग डिवाइस, किसको मयरिंग डिवाइस किस यूनिट में करते हैं एम्पियर में, एम्पियर किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, इसका मतलब एमोमीटर करंट माप के देगा, तो हमसे इस क्वेश्चन में करंट पूछा हुआ, एम्पियर, एम प्लस मीटर, एम मीटर।
तो करंट निकालने के लिए ओहम्स लॉ में आ जाओ। ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल टू आई आर, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। आई कितना निकलेगा? बैटरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। और बैटरी की टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट पुट कर देंगे जब भी चाहिए होगा। आर सर्किट निकालना पड़ेगा। आर सर्किट को निकाल के यहां पर मैं पुट करूंगा तब मेरा क्वेश्चन आएगा। आर सर्किट की वैल्यू इधर अलग से निकाल के ला रहे हैं टीचर। आर सर्किट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है, तो सबसे पहले मैं ए और बी में रेजिस्टेंस निकालता हूं। और ये दोनों दो रेजिस्टर हैं। दो रेजिस्टर में टीचर ने मेरे को फार्मूला बताया था, आर वन इसको बोल दो, आर टू इसको बोल दो, लिखा होना चाहिए डायग्राम में, तभी लगाओगे आप फार्मूला। प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम, तो प्रोडक्ट हुआ 2 × 2 = 4, सम कितना हुआ 2 + 2, 1 ओम हो गया इसका, 1 ओम। और यहां पर पॉइंट ले लो सी, तो आर ए सी कितना है? ए सी वो तो ऑलरेडी 2 ओम है, तो आर सर्किट क्या होगा? आर सी ए प्लस ए बी, आर सर्किट आर सी ए प्लस आर ए बी, सी ए और ए बी एक ही बात है, तो 2 ओम + 1 ओम हाउ मच? 3 ओम। तो इस 3 ओम को मैं आर सर्किट में पुट करूंगा बेटे। देखो इतना पोर्शन अलग सॉल्व करा, इतना अलग, देखो ये अलग, अब यहां पुट करा 3, तो 10 को 3 से डिवाइड करेंगे हाउ मच बेटे? 3.33 ओम एम्पियर आया। ये तो एक बच्चे ने आंसर दिया, वो भी सही कैलकुलेशन नहीं कर सका। सही Excuse me, sir. Yes, yes. So we have not, in the question, we are not given that the voltage is 10 volt. Rather, we are given that the power is 18 watt. आपके पास assignment है? मैंने तो assignment वाला question डाला ही नहीं। आपको assignment पहुंच गया क्या? नहीं, मैंने तो आपको assignment वाला question ही नहीं डाला, मैंने तो ये डाला है। आप assignment वाला क्यों कर रहे हो? हमने तो आपको assignment भेजा ही नहीं कोई। बुक के अंदर, किसी और बुक में, ठीक कह रहे हो आप, किसी और बुक में इसके अंदर 18 पावर वाट से दिया हुआ है क्वेश्चन, पर मैंने तो 18 वाट का कुछ दिया ही नहीं यहां पर। इट डज नॉट मीन के टीचर ने स्टेटमेंट गलत कर दी, इट मींस के टीचर डिफरेंट स्टेटमेंट भी डाल सकता है। तो आपको ये सॉल्व करना है करंट। तो ये बच्चा जो भी कह रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में, बिल्कुल गलत बोला। स्टेटमेंट मेरा स्टेटमेंट ये है ना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करो। बुक में आता होगा इतना आंसर अगर आता होगा, और वैसे भी मैंने करंट माना है, मापा हुआ करंट पूछा करंट, और आपने उसके आंसर ओहम में दे दिया। ओहम में होता ही नहीं करंट। सो दिस इज योर आंसर, तो आंसर शुड बी 3.3। ये तो आप भूल ही जाओ कि एनसीईआरटी के अंदर जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल्स की, एज इट इज आ जाएगी फाइनल पेपर में। ये तो भूल ही जाओ आप, डाटा जरूर चेंज करेगा पेपर सेटर। ओके, कोई बात नहीं, बच्चे ही होते हैं, छोटे छोटे गलती कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन जो टीचर ने करा आपको समझ आ गया? हैव यू अंडरस्टूड बेटे? राइट हैंड और यस सर। हैव यू अंडरस्टूड? आवाज आवाज फिर से, हैव यू अंडरस्टूड? ओके ओके। सो ये जो गुड़िया अभी अभी बोली थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बच्चा मेहनती है, बहुत मेहनती है, लेकिन ये बच्चा गलती क्या कर गया? इसने सोचा कि सर ने बुक वाला आंसर डालना चाहिए था क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन बुक वाला क्यों डालू? मैं डिफरेंट भी डाल सकता हूं। ओके, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है 4 ओम 8 ओम x ओम 5 ओम। देखो 4 ओम 8 ओम चार रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, और ये इसमें से एक एक्स दिया हुआ है एक्स। अगर पूरा सर्किट वाई से लेकर जेड तक है और आपको रेजिस्टेंस बिटवीन वाई एंड जेड 4 ओम दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स कितने ओम का होगा?
करो सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। सभी बच्चे खुद से करेंगे। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लेता हूं। सर वन ओम, कितना? वन ओम। एक बच्चे ने आंसर रजिस्टर कराया 1 ओम। और कोई कराओ रजिस्टर, और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बेटे? सर 1 ओम। एक बच्चा और कॉन्फिडेंस से गुड़िया बोलती है 1 ओम। तो दो बच्चों ने 1 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर कराया टीचर से। अब हम इसको देखते हैं ये बेटे कौन सा सही है। ठीक है, योर अटेंशन प्लीज। सभी बच्चे देखेंगे कि ये तो सर ऐसे ऐसे लिखे हैं। सबसे पहले पेपर में आपने करना क्या है, आपने इनको डिनोशन देना है। R1 पेपर में, फाइनल पेपर में R2, R3, R4 अपनी तरफ से देना है बच्चे जरूर। फिर आपने यहां पर दो पॉइंट लिख देने हैं A B, फिर यहां पर दो पॉइंट लिख देने हैं आपने C D। तो पहले पेपर में आप C और D निकाल के लिख के दोगे उसको पेपर में। अच्छा सॉल्यूशन, RCD इज इक्वल टू R1 प्लस R2 का सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सी से डी डी ऊपर ऊपर, हाउ मच? 4 ओम प्लस 8 ओम इक्वल टू 12 ओम। और कुछ बच्चे क्या यहां पर ओम नहीं डालते जब बीच में ऐड करते हैं, तो CBSE कहती है इसके भी मार्क्स कट करो। 7.5 ईयर्स तक मैंने पेपर चेक करे हैं CBSE के बोर्ड के 10th के, तो वो कहता है अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देते ना 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 ओम, आप यहां तो उसने ओम नहीं लगाया, उसके भी नंबर काटो आप। CBSE बोर्ड कह रहा है। अब नीचे AB कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी 3 और 4 सीरीज में है, तो इनको पुट करा, एक एक्स है और एक 5 है, इसको ऐसे ही लिख दो, x+5 ओम इज इक्वल टू x+5, यहां भी ओम लगाना चाहिए, ऐसे लिख दिया मैंने, गॉट इट। अब मैं वाई और जेड को देखूंगा, ये पैरलर में लगे हैं, R/YZ इज इक्वल टू ऊपर वाला RCD और नीचे वाला RAB, ठीक है, और RXY मेरे को दे रखा है 4, तो मैं अगले स्टेप में 1/4, RCD टीचर ने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है 1/12, और RAB भी कैलकुलेट कर रखा है 1/x+5। जब इतना आ जाए तो क्या करना है, जिस सिंबल में हमें डाटा निकालना है उसको अकेला कर देते हैं, दूसरे को उधर लेके जाते हैं, तो 1/x+5 कितना हुआ, 1/4 - 1/12, LCM आया 12, 3 - 1, 2/12 इक्वल टू 1/6। रेसिप्रोकल ले लो, x+5 = 6, 5 को उधर ले जाओ, x = 6 - 5, 1 ओम। शाबाश, दोनों बच्चों को शाबाश दिया जाता है। कौन कौन से दो बच्चे थे, प्लीज नेम योर सेल्फ, प्लीज नेम योर सेल्फ। योगेश। हाँ, इन दोनों बच्चों के लिए सभी बच्चे प्लीज क्लैप फ्रॉम माई साइड, क्लैप क्लैप, शाबाश। ट्राई टू अप्रिशिएट द परफॉर्मर्स। देख लो आपको समझ आया ये क्वेश्चन बेटे, हैं यस और नो? देखो यार टीचर इतनी एनर्जी से बढ़ाता है, बच्चा ऐसे कम से कम ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो, टूटा सा राइट हैंड, टूटा सा ऐसे हाथ खड़ा कर दो मरियल सा, यस और नो? हाँ देना, कम से कम मेरी एनर्जी से मैच तो करो बेटे, शाबाश शाबाश।
ये क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा करा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पिंच हुआ मेरे को, थोड़ा सा। काश दो बच्चों की बजाय 20 बच्चे जवाब देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो नाउ टीचर आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया है, ये है क्वेश्चन बच्चे, शाबाश, ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर पेपर सेटर मैं हूं तो जरूर डालू। ध्यान से सुनना, वो कहता योर आंसर, मेरे पास दो रजिस्टर हैं आर वन और आर टू। देखो ध्यान से, आर वन और आर टू दो रजिस्टर हैं। हमने कहा ओके। कहता एक बार मैंने उनको सीरीज में जोड़ दिया, एक सर्किट बना लिया, और एक बार मैंने उनको पैरलर में जोड़ दिया तो उनका सर्किट बना लिया। कहता मैंने इन दोनों किनारों के ऊपर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। कहता मान, मेरे को बाद में भूल गया कि आर ए आंसर इधर आया था या आर बी आंसर इधर आया था कि इधर आया था, ये वाला इधर आया था कि इधर आया था, आर बी आंसर इधर आया था कि इधर आया था, कहता मैं भूल गया। लेकिन जो भी वो रेजिस्टेंस आए थे उनका मैंने ग्राफ ड्रा कर रखा है, वोल्टेज और करंट और वोल्टेज में, बी का ग्राफ ए का ग्राफ। कहता आप मेरे को ये बताओ कौन सा ग्राफ इन दोनों में से, कौन से सर्किट से लिंक्ड है, कौन सा ग्राफ कौन से सर्किट से लिंक्ड है, ये क्वेश्चन है। कोई बच्चा जो इसको कर पाए, जो इस क्वेश्चन को कर पाए, है कोई बच्चा? हाँ बेटे, गारंटेड सर ए सीरीज में, बी पैरेलल में। यस सर। रीजन रीजन दे सकते हो? हाँ सर ओहम्स लॉ, जी, ओहम्स लॉ सर। स्लोप के ऊपर किसका स्लोप कम है, ए का या बी का? स्लोप सर, हम सर अगर वी इज इक्वल टू आई आर को सर, फिर हम उससे रेजिस्टेंस निकालें तो सर ए न्यूमिरेटर में आएगा सर, रेजिस्टेंस किसका कम है, ए का के बी का? बी का सर। अब याद रखना अपनी बात, आपने बी का रेजिस्टेंस कम बोला है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब फिर हम चेक करेंगे आपने तुक्का लगाया या लॉजिक से किया। बी का रेजिस्टेंस आपने कम बोला, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। शाबाश, योर अटेंशन प्लीज। आपने ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, ध्यान से सुनो। आप एक पर्टिकुलर वोल्टेज ले लोगे, मान लो मैंने वोल्टेज ले ली वी नॉट, ठीक है बेटे, वी नॉट, और वी नॉट वोल्टेज ले ली, उससे इस ग्राफ को कट करोगे, मतलब ग्राफ आपको पेपर में बनाना ही पड़ेगा वहां पर, और फिर आप इसी को यहां से भी कट कर दोगे, गॉट इट? तो आप देखो, जब मैं नीचे वाले ग्राफ को कट करा ए को, तो यहां से ऐसे करंट आया, इस करंट को हमने आई सबस्क्रिप्ट ए बोल दिया, और यही वोल्टेज जब दूसरे ग्राफ को कट करती है बी वाले को, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने उस करंट को आई सबस्क्रिप्ट बी बोल दिया। अब ध्यान से सुनना, हमें पता है ओहम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज इज इक्वल टू ये, ओहम्स लॉ, तो रेजिस्टेंस कितना होएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। अब इसी फार्मूले को हम ए के ऊपर भी लगाएंगे, बी के ऊपर भी लगाएंगे, राइट बेटे? पहले मैंने ए के ऊपर लगाया, आर ए इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई ए, आर बी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई बी। अब दोनों में से न्यूमरेटर सेम है, देखो न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर कम होएगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यस या नो? जिसका डिनोमिनेटर कम होएगा रेजिस्टेंस ज्यादा। अब मेरे को बता दो डिनोमिनेटर किसका कम है, इसका या इसका, ए का कम है या बी का, बोलो। ए वाला करंट कम है तो रेजिस्टेंस ये ज्यादा, बी वाला रेजिस्टेंस उल्टा हो गया, ठीक है? यहां से साफ ही पता लगता है कि आर ए रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर बी। तो ये हमारा प्यारा सा बच्चा गलती कर गया थोड़ी, तो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी इस ग्राफ में, ठीक है? अच्छा,
अगर आर ए ग्रेटर देन है, अब मेरे को ये बताओ सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है या पैरेलल में ज्यादा होता है? टीचर ने अभी अभी कराया था सीरीज अपॉन पैरेलल ऑलवेज ग्रेटर देन वन, कौन सा बड़ा होता है हमेशा? सीरीज वाला। तो बताओ लार्जर वाला ए वाला किससे लिंक होना चाहिए, इस सर्किट से या नीचे वाले से? बोलो आर ए सीरीज से होना चाहिए या पैरेलल? बोलो सीरीज से, बिल्कुल सही। तो यो ये वाला है ना, ये माना सीरीज से लिंक्ड है, इसके अंदर करंट होएगा, ये ऐसा सर्किट होएगा, और वो वाला पैरलर से लिंक्ड है। एक बात मेरी याद रख लेना ध्यान से, एक बात, कि अगर करंट वर्टिकल एक्सिस पर हो, वर्टिकल, और वोल्टेज ऐसे हो, तो जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस होता है ना वो छोटा होता है, आर बी इज लेस देन आर ए। लेकिन अगर यही ग्राफ उसने पेपर में उल्टा कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता, जो ये बच्चा गलती कर गया, यही ग्राफ अगर वोल्टेज वर्टिकल एक्सिस पे कर दिया, करंट इधर कर दिया, तो जो ऊपर वाला ग्राफ है वो बड़ा होएगा। फिर मेमोरी टूल लिख लो, गलती मत कर देना, वोल्टेज वाली एक्सिस अगर वर्टिकल है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा, अगर करंट वाली एक्सिस वर्टिकल है तो ऊपर वाला ग्राफ छोटा रेजिस्टेंस का होगा। समझ आया आपको बेटे, यस और नो? सो फिर से वही क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड? शाबाश, इस बार समझ आया, इस बार आपने मेरी, मैं बहुत अच्छा जवाब दिया, सभी बच्चों का राइट हैंड खड़ा था और एनर्जेटिक, और जिसको नहीं समझ आया ना बिना शर्म के लेफ्ट हैंड खड़ा करना, क्योंकि मैं उस बच्चे को फिर पकड़ लेता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड खड़ा है, तो पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं उससे पूछने लग जाता हूँ, पकड़ने का मतलब है टीचर को इंडिकेशन मिल जाता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा बता देना चाहिए क्लास। वंस अगेन, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, यस और नो? सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का राइट हैंड खड़ा है, थैंक यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। एक और क्वेश्चन है बिना कैलकुलेशंस के, देखो बेटे राइट डाउन, राइट डाउन, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू, ध्यान से सुनो, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज दे गिव अस आर एस, आर सबस्क्रिप्ट एस, ये मिला आंसर। व्हेन सेम टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरलर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर पैरलर, ये हमें दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर सीरीज अपॉन आर पैरलर इन टर्म्स ऑफ, ये छोटे वाले आर वन एंड आर टू, इन टर्म्स ऑफ दिस, सॉल्व इट, यू विल डू योर सेल्फ, इनका रेशो। कौन बच्चा इसका रेशियो बताएगा? सर आर वन प्लस आर टू होल स्केयर अपॉन आर वन इंटू आर टू। एक बच्चा कह रहा है आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर इनटू, और क्या करना है बेटे?
अपॉन आर वन इंटू आर टू। अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, ऐसे बोल रहा है बच्चा। एक बच्चा कह रहा है दिस रेशियो विल कम आउट स्क्वायर ऑफ द एडिशन ऑफ रेजिस्टर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स। एक बच्चा ऐसे बोल रहा है। कोई और बच्चा? अब हम इसको करके देखते हैं बेटे। शाबाश। सभी बच्चों को पता है आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल, सीरीज में डायरेक्ट सम आर वन प्लस आर टू। और हमारे टीचर ने सिखाया था कि अगर दो रजिस्टर हो दो तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाता है पैरेलल में, प्रोडक्ट ऑफ द रजिस्टर, याद है बेटे, सिखाया था अभी अभी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रजिस्टर्स। सिखाया या नहीं? तो डिवाइड बाय डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला घूम के ऊपर चला जाएगा, तो आर सीरीज अपॉन आर पैरेलल आर वन प्लस आर टू, एक ब्रैकेट पहले ही पड़ा है, एक नीचे से आ गया बेटे, तो ऊपर वाली दोनों प्रोडक्ट सेम होने की वजह से स्क्वेयर बन गया। तो इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 100% मार्क्स, फुल शाबाश दी जाती है इस बच्चे को जिसने भी आंसर दिया। व्हाट इज योर नेम बेटे? प्रितांशु। हितांशु प्रितांशु के लिए क्लैप होना चाहिए, वंस अगेन क्लैप बेटे, क्लैप। देखो ये एक बच्चा जब सही जवाब देता है तो उसने पूरी क्लास का प्रेस्टीज बचा लिया। टीचर ये नहीं बोल सका किसी को नहीं आता, उसने सारी क्लास को बचा लिया। सो देयर शुड बी ह्यूज क्लैप वंस अगेन फॉर दिस स्टूडेंट, ह्यूज क्लैप। शाबाश शाबाश। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, ये पढ़ा है सर्किट सीरीज और पैरेलल। देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 5 ओम 10 ओम, 4 ओम 6 ओम और बाकी सारी कॉपर की तारे हैं। आपको आर ए बी की वैल्यू निकालनी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए बी? प्लीज सॉल्व इट। जब तक आप इसको सॉल्व करते हो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। सर 18.4 ओम। 18.4। एक बच्चे ने आंसर रजिस्टर कराया है 18.4 ओम। और कोई बच्चा इसका मुकाबला करना चाहे? एनीवन अमंग बॉयज, जल्दी जल्दी जल्दी, आई वांट टू मोर आंसर्स बिफोर आई सॉल्व इट। सर 18.4 ओम। Another boy 18.4 ओम। बाकी बच्चे करो, जरूरी नहीं है इनका सही हो। शाबाश। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा बेटे? मान लो इन दोनों बच्चों का गलत निकल गया तो जानते हो इसका मतलब क्या है? 30 प्लस 30 प्लस 20, लगभग 80 स्टूडेंट्स का फिर प्रेस्टीज इश्यू आ जाएगा फिर। देखो शाबाश, कम से कम एक बच्चा चाहिए जो सही आंसर दे सके और टीचर ये ना कह सके किसी ने सभी ने गलत किया या नहीं कर सका। शाबाश शाबाश। आई एम फ्रॉम द सचिन तेंदुलकर जनरेशन एंड यू आर फ्रॉम विराट कोहली जनरेशन, देखते हैं कौन जीतता है। शाबाश शाबाश, सचिन वर्सेस विराट, देखते हैं कौन बच्चा सही देता है जवाब। और कोई आंसर रजिस्टर कराना चाहे? अनदर 18.4। गर्ल 18.4। चलो अब टीचर इसको सॉल्व करेगा। रेडी? शाबाश, योर अटेंशन। सबसे पहले टीचर इस पॉइंट को बोल देता है पी, इस पॉइंट को बोल देता है क्यू, तो रजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू देखेगा पहले, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं इसलिए टीचर पैरेलल सॉल्व करेगा। और गलती से भी यहां 1/3 1/3 1/3 करके लिख लिख मत देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे सीबीएसई के पेपर में। पहले
पहले डेजिग्नेशन देना पड़ेगा रेजिस्टेंस इसको। वो कहते हैं फार्मूला लिखे बच्चा, ऐसे लिख के फिर डाटा पुट करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। 7.5 ईयर तक मैंने पेपर टेस्ट चेक करे हैं सीबीएसई के, हाफ इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार कंपार्टमेंट के भी चेक करे तो ये सॉल्व हुआ बेटे। तो ये 3 × 1/3, इट इज इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होएगा। लेट्स मूव, अब हम क्यू से लेकर यहां तक सॉल्व करेंगे, कौन सा के बोल देते हैं, आर के क्यू या क्यू के। आप देखो इसमें दो रजिस्टर हैं, इसको R4 बोल देते हैं, इसको R5 बोल देते हैं। तो R4 + R5, लेकिन उसकी ब्रैकेट में लिखना है शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड क्यों? क्योंकि उसके दोनों किनारों पर कॉपर वायर लग गया। तो जब दोनों वायरों पे कॉपर वायर लग गया तो सारा करंट तो उसी से चला जाएगा जिसमें कोई रुकावट ही नहीं है। तो ये 10 ओम होने के बावजूद भी इसको 0 ओम लेंगे, तो आंसर 5 ओम। अब हम लेंगे के से लेकर एल तक, 1/रेजिस्टेंस के एल रेसिप्रोकली, फिर से डेजिग्नेशन R6 R7। सो 1/R6 + 1/R7 = 1/4 + 1/6, एलसीएम आया 12, 3 + 2 5/12, रेसिप्रोकल लेना भूलना नहीं है, आर के एल इज इक्वल टू 12/5 ओम। और जब भी इस 12/5 को सॉल्व करेंगे इट बिकम्स 2.4 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर ए बी, तीनों को ऐड कर दो, आर पी क्यू प्लस आर क्यू के प्लस आर के एल। लेट्स सॉल्व, 1 + 5 + 2.4, इट कम्स आउट टू बी 8.4 ओम। तो आपने देखा आपकी क्लास के तीनों इंटेलिजेंट बच्चे एक ही गलती कर गए हैं। एक ही गलती, कौन सी? उन्होंने देखा ही नहीं 10 ओम को, टीचर ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट वाला रेजिस्टेंस कितनी ही बड़ी वैल्यू का हो क्यों ना हो, उसकी वैल्यू 0 ओम लेनी है अपने। समझ गए बेटे? अगर मैंने इसको शॉर्ट सर्किट ना करा होता, ये वायर ना लगी होती, तो ये तीनों आंसर करेक्ट थे। और श्योर शॉर्ट ये तीनों बच्चे आपके स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चे हैं। लेकिन मैंने उनसे भी गलती कराने के लिए, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, तो मैं उनको ट्रैप में ले लिया, तो इसलिए वो 10 ओम की बजाय 0 ओम ऐड करने। हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो बेटे? यस और नो, फिर मरिया लवा यस भी तो बोलो। हैव यू अंडरस्टूड? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो हम लोग टीचर होते हैं और इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंट होता है। अगर मैं चाहूं तो इसी क्वेश्चन में मैं एक और ट्रैप डाल दूंगा, फिर से गलत करा दूंगा आपसे। अगर फिर भी चाहूं उसके बाद फिर भी गलत करा दूंगा, क्योंकि हमें सालों साल का तजर्बा होता है। लेकिन फिर वो क्वेश्चन का लेवल 10th क्लास के लेवल से ऊंचा चला जाएगा। हमने आपके लेवल के ऊपर ही रहना है, उससे ज्यादा नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर ये लिख रहा है व्हाट इज, लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। अच्छा ये क्वेश्चन आप अगली घर से करके आना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आर, व्हाट इज द डिफरेंस। लास्ट क्वेश्चन बेटे, जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया प्लीज गिव द इंडिकेशन टू द टीचर बाय वेविंग योर बोथ हैंड्स दिस वे। वेव योर बोथ हैंड्स दिस वे इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज प्लीज। सर बैल हो गई। भाई साहब अगली अगली बार मैं 2 क्वेश्चन कम कराऊंगा बस। ओके सर, ये तो पकड़ आ गया था। थैंक यू, थैंक ओके यू सर। ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू टू द टीचर। इसको टांग सर।